हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो सर, हेलो बच्चे। मृणाल, राहुल, अक्षय, आयुषी, यश, वंशिका, कुणाल, रितिका, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। दिव्यांशी गुप्ता, शिवानी, ओम, यश, गाइस प्लीज शेयर द लेक्चर एज मच एज यू कैन। प्रभजोत, अंश, आयुषी, वोकरा टेबल, बेटा जितना आप लोग लेक्चर को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए। जितना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ आप इसको शेयर करेंगे उतना ही फायदा होगा, उतना ही YouTube हमारे लेक्चर को जो है प्रमोट करेगा, है ना। और साथ में लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। बेटा 2 मिनट का समय आपको मुझे देना पड़ेगा, ठीक है सर? पोस्टर में बड़े अच्छे लग रहे हो। अच्छा, पोस्टर में अच्छा लग रहा हूं। चलो, थैंक यू सो मच आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों ने इतना नोटिस किया। चलिए नेबिन बेटा, आपका मैसेज मैंने देख लिया था। मैं मेरी क्लास ओवर करते ही आप मुझे टेलीग्राम पे आप अपना नंबर भेजना, आई विल फॉरवर्ड दैट टू द टीम एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग योर सब्सक्रिप्शन जो आपने जीता था। गाइज लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, ठीक है बेटा। सबसे पहले पहले मैं आप लोगों से यही चीज कहूंगा कि आज का जो सेशन है वो है क्या। आज के सेशन में गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स। अगर आप लोगों को पानी वानी पीना है तो पी लीजिए बेटा, ठीक है। रीजन क्या है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा लेने वाला हूं मैं, यानी कि लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास का लेक्चर मैंने अपने दिमाग में सोचा है। अगर मेरी हेल्थ ने अलाउ किया सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्ट्रेच आर लेक्चर टुडे, ठीक है बच्चा। हेलो गाइस, हेलो हेलो न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। लेक्चर को लाइक कर दो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सारे के सारे गाइस। इसी के साथ साथ एक दो बातें आपको बतानी है। जितने भी बच्चे हैं आप लोग, शायद आपको पता होगा, आज आप लोगों के सपोर्ट से हमने रिवाइज़ तन में तबाही मचा दी थी बेटा, है ना। मजा आ गया था, 700 बच्चे के आसपास हमारे साथ रिवाइज़ तन में थे, ठीक है बच्चे। तो अगर आप देखेंगे तो सुबह 10 से लेकर 8:30 बजे के आसपास हमारा रिवाइज़ तन, ये खाली आज नहीं था, ये कल भी है, परसों भी है, 19 तारीख को भी है, 20 तारीख को भी है, यानी कि 4 दिन और डेली सुबह 10 बजे आप सभी बच्चों ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है बच्चे। ओके, इसमें हो क्या रहा है आप देख पा रहे हैं, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स 5 दिन में और लीडिंग एडुकेटर्स ये कंडक्ट करेंगे। दिस इज फ्री फॉर ऑल लर्नर्स, दिस इज फ्री फॉर ऑल लर्नर्स गाइज, ठीक है बच्चे। साथ ही साथ में आप देखिए 12th की बात करते हैं, ये फिजिक्स के आपके गुरुजी 10 से 12 बजे लेक्चर लेंगे। बायोलॉजी वाली मैम, मैथ्स गणेश पवार सर, चवी जटवानी मैम, मोनिका बेदी मैम और कृति शर्मा, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स है बेटा, तो आप इसको जरूर देख लेना। हेलो बच्चे, ठीक है सर, कौन से चैनल पर रिकॉर्डेड का है बेटा? अनअकैडमी स्पेशल पर हो रहा है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, अनअकैडमी स्पेशल पर, ठीक है ओके। इसके बाद अगर आप देखेंगे बच्चे, अगर किसी बच्चे को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है तो मैं बता दूं, ये प्लस के बारे में यहां पर आपको टॉप एडुकेटर्स पढ़ाते हैं बेटा। आपके पास पहले से ही कोर्सेस का पता होता है, 3 क्लासेस के बाद एक डाउट्स क्लियरिंग सेशन होता है, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको यहां पर अगर आप डालते हैं ना इसमें पैसा, तो मुझे लगता है वो वर्थ इट है। डेली प्रैक्टिस सेक्शन, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विज और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ये सब होता है। कोई कहता है सर बहुत लेट हो चुका है और मुझे पर्सनल कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में बेटा, ठीक है, उस केस में आप लोगों को यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहिए। इसमें स्टडी प्लानर भी बनाते हैं, ठीक है, जोश की बात नहीं है बेटा, आज तो मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है बेटा। फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं ना, ईवीएस थोड़ी पढ़ाएंगे रिवाइज तन में, है ना, इंग्लिश थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। चले, तो ये मेरा प्लस पे बैच है, 25 तारीख को एक नया बैच लॉन्च होने जा रहा है आप लोग के लिए, जिसमें हम सिर्फ 5 चैप्टर केटर करेंगे, लेकिन प्रॉपर A to Z PYQs एवरीथिंग वील बी केटरिंग ओवर देयर। इसी के साथ बेटा, अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है या मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और लेना ही है, तो यार लेने के लिए फायदा ये है कि आप ये कोड यूज कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ और हमारे फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाएगी,
और तो क्या ही है बेटा, है ना बच्चे। इसी के साथ साथ बेटा हम इसको करते हैं यहां पर फिनिश, और अपन लोग जो है बच्चे अपनी पीपीटी खोलते हैं, क्योंकि हमें चैप्टर की शुरुआत करनी है। वेव ऑप्टिक्स आपके सामने खुल गया है, सो आई आस्क यू गाइस दैट हाउ इज योर जोश फॉर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। बोलिए बेटा। बेटा बूट कैंप की रिकॉर्डिंग है अन अकेडमी स्पेशल क्लास पर, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। मैं लिया हूं आपके कोड से, ओके, वेरी गुड। ओपी सर, रेडी सर, हाई सर, लो सर, पता नहीं क्या बोले सर, कुछ भी बोल रहे हो सर, ठीक है। चलिए, सो गाइज स्टार्टिंग द लेक्चर। वेव ऑप्टिक्स की अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक दो चीजें बताना चाहता हूं बेटा। आपने ऑप्टिक्स की जब शुरुआत करी थी, मैंने तभी आपको कहा था कि इसमें आप दो तरीके के ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। बेटा वन वी आर स्टडिंग अबाउट रे ऑप्टिक्स, अनदर वन इज वेव ऑप्टिक्स। गाइज ऑप्टिक्स होता क्या है? लाइट की स्टडी, यानी कि लाइट का नेचर, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है और लाइट कैसे प्रोपगेट होती है, ठीक है, यही हमने ऑप्टिक्स में पढ़ना था। अब रे के फॉर्म में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ 12-13 सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड पढ़े होंगे, आप देख लेना, ठीक है। और यहां पर वेव ऑप्टिक्स यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स वी विल बी स्टडिंग लाइट का नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपिगेशन। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहला पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा वेव ऑप्टिक्स में आता है, दैट कॉन्सेप्ट इज आपका वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से पहले एक 10 सेकंड की और अपनी पब्लिसिटी जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है बेटा कि अगर आप स्पेशल क्लास में जाते हो और आपकी क्लास अनलॉक नहीं होती, सो यूज VK24 कोड। पहली बात तो ये। दूसरी बात कल हमारा शाम को 8 बजे से लेकर और रात के 1 बजे तक 5 आवर नॉन स्टॉप मैराथन है, जिसमें गाइज आप लोगों को ऑलरेडी स्केड्यूल स्ट्रीम में दिखेगा चैनल पे जब जाओगे, तो उसमें क्या हो रहा है, 100+ MCQ ऑफ रे ऑप्टिक्स। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम चलते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट अपने को यहां पर पढ़ना है, वो पढ़ना है वेव फ्रंट का। क्या पढ़ना है? वेव फ्रंट का। सो गाइज प्लीज सी दिस, ये वेव फ्रंट है क्या बेटा? आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने एक स्टोन उठाया, पत्थर उठाया, कभी देखते हो ना टीवी में एक ब्रेकअप हो जाता है बच्चे का या बच्ची का, बच्चा बच्ची मतलब लड़का लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, समुन्दर के किनारे बैठते हैं, पत्थर उठाते हैं और यू ऐसा समुन्दर में फेंकते हैं, ठीक है। तो यहां भी वही कहानी चल रही है, पत्थर को हम समुन्दर में फेंक रहे हैं और समुन्दर में फेंकने के बाद हम क्या देखते हैं, हम कुछ इस तरीके की चीजें देखते हैं वहां पर। किस तरीके की? पहले कलर मैच कर ले, कौन सा कलर दिखेगा आप लोग को? नहीं, ये भी नहीं दिख रहा, सफेद वाला दिखा दे, हाँ ये दिख जाएगा, ठीक है, ये कलर ठीक है। तो क्या दिख रहा है बेटा? कुछ इस तरीके से देखिए, एक पत्थर है ऐसे 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 गोले से बनते हुए दिखाई देते। अरे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं बेटा? ये गोले दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? इन्हीं को कायदे से हिंदी में हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है, ऐसा दिखते हैं। तो बेसिकली वेव फ्रंट है क्या बेटा, मैं आपको समझाता हूं। जनरली यहां पर आप क्या करेंगे बच्चे, आपके पास एक सोर्स होगा बेटा, आपके पास एक सोर्स होगा। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो सोर्स कैसा भी हो सकता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे बेटा कि वो सोर्स कैसा भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास एक सोर्स है बेटा, और उस सोर्स से क्या होता है, रे ऑफ लाइट निकलती है, राइट बच्चा जी, निकल रही है, ऐसे 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 निकल रही है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, आप वेव को कुछ इस तरीके से बनाते हैं ऐसे। अब भाई रे ऑफ लाइट जब हमारी निकल रही है ना बेटा, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो है ऐसे वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं,
तो वे पार्टिकल्स जो सेम फेज में होते हैं, यानी कि जैसे अभी एसी में मैंने पढ़ाया था ना, क्या ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आपने मेरे साथ वहां पर पढ़ा था कि ओमेगा टी मतलब फेज सेम था दोनों का बेटा, ठीक है बच्चे, फेज सेम था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर सेम फेज था, यानी कि वो पार्टिकल जो सेम फेज में है, यानी कि कुछ पार्टिकल क्रेस्ट में, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है कुछ का एम्पलीट्यूड मिनिमम है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उन सभी पार्टिकल्स का कलेक्शन लेते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं, उस बाउंड्री को ही अपन लोग वेव फ्रंट बोलते हैं, उस बाउंड्री को ही वेव फ्रंट बोलते हैं। नहीं समझ आया, रुके दोबारा समझाते हैं। हो क्या रहा है बेटा, पहले तो आप इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपकी सारी चीजें दूर करेंगे। क्या बोल रहा है ये, कह रहा है कि सर, कह रहा है कि सर अ सोर्स ऑफ लाइट सेंड्स आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन। समझ आया, लाइट का सोर्स डिस्टर्बेंस को हर एक डायरेक्शन में भेजता है, ठीक है बेटा, ओके। इन अ होमोजीनस मतलब सेम मीडियम है बेटा, इन अ होमोजीनस मीडियम द डिस्टर्बेंस रीचेज ऑल दोज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन फेज विच आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड हेंस एट एनी इंस्टेंट ऑल सच पार्टिकल्स मस्ट बी वाइब्रेटिंग इन सेम फेज विद ईच अदर। ये क्या कह रहा है, सुनो इसकी बात, ये कह रहा है सपोज करिए एक सोर्स है बेटा, सपोज करिए एक सोर्स है हमारे पास, ठीक है, यहां से सारे डायरेक्शन में ऐसे, ये डिस्टर्बेंस का मतलब आपने वेव्स पढ़ा था ना, और लाइट को हम वेव्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके सारी डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस निकल गई, आपने देखा सेम डिस्टेंस पर बेटा ये 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 ये, ठीक है, ये 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 और ये डिस्टेंस सेम है बेटा, और ये सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, दीज ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ठीक है बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होगा, यहां पर हम इन सारे पार्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे बेटा, एक बाउंड्री बनाएंगे, एंड दिस इज आर वेव फ्रंट, दिस इज आर वेव फ्रंट बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये फेज क्या होता है, फेज का मतलब होता है बेटा कि वो पार्टिकल उस समय पर कितना या कौन सी पोजीशन पर है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है। जब आप ग्राफ बनाते हो, सपोज करिए एक पार्टिकल की शुरुआत यहां से हुई और एक पार्टिकल की शुरुआत यहां से हुई, तो आप क्या कहते हैं इसमें और इस वाले वेव में कितना डिग्री का डिफरेंस है, 90 डिग्री का। सो दिस डिफरेंस इज फेज डिफरेंस। कहने का मतलब है, मान लेते हैं एक ऐसे चल रहा है, राइट है, और दूसरा पार्टिकल यहां से चल रहा है, राइट है बच्चा जी। अब फेज डिफरेंस तो जीरो है, लेकिन पाथ का डिफरेंस जरूर है। एक लैम्डा पीछे से चलने लगा था, आगे लैम्डा से चल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चे, चलिए तो बेसिकली अब आप समझेंगे, सोर्स है वो डिस्टर्बेंस भेज रहा है, वेव्स भेजी उसने एक दो तीन, आगे जाके वो वेव्स मिलती भी है, सुपर इंपोज भी होती है, ठीक है बेटा। दो वेव्स जो उसने भेजी थी उनमें कितना डिग्री एंगल का डिफरेंस है, क्या फेज है, क्या एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, क्या एक क्रस्ट ट्रफ के ऊपर, ये सारी कहानी पढ़नी है, ठीक है बच्चे। तो वेव फ्रंट के बाद ये बताऊंगा कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आगे देखो, आपने कहा इन सभी को कलेक्ट किया बेटा, इन सभी को कलेक्ट किया, दिस इज आर वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि चैप्टर में है क्या क्या, ये जरूर जान लेते हैं कि चैप्टर में है क्या क्या। तो रे ऑप्टिक्स में बेटा आप लोगों ने मेरे साथ ऑलरेडी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करा था, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में बेटा तीन मेजर फेनोमेनन होते हैं, कौन कौन से, वन इज इंटरफेरेंस, अनदर इज योर डिफ्रैक्शन,
अनदर इज योर डिफ्रैक्शन, ये आपका इंटरफेरेंस, ये डिफ्रैक्शन, एंड द लास्ट वन विच इज नॉट इन आर सीबीएसई सिलेबस, दैट वन इज पोलराइजेशन बेटा। ये क्या होगा? पोलराइजेशन होगा, ठीक है बच्चे। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, आप मेरी बात सुनिएगा बेटा, अगर किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो वो तो ये चल ही रहा है, किसी के अगर एग्जाम्स है या उसको जल्दी में ये चैप्टर कवर करना है तो मेरे जो सीबीएसई साइंस वाला चैनल है ना, अन अकेडमी सीबीएसई साइंस, उस पे 4 आवर्स का वन शॉट भी है इस चैप्टर का, तो आप वहां से जल्दबाजी में रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों फिनोमिनन अपने को यहां पर पढ़ने होंगे, मेजर ये दोनों है इस साल के लिए 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये उसके बाद आएगा, उससे पहले आता था, इस साल के पेपर में नहीं है, ठीक है बच्चे। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग बेटा, अब अगर आप देख पा रहे हो तो आपने ये देखा कि ये सारे पार्टिकल्स का जो कलेक्शन है ये क्या है, वेव फ्रंट है, समझ रहे हो आप, ठीक है सर। अब आप सुनिए बेटा, अब आप आगे सुनिए, ये जो वेव फ्रंट है ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये वेव फ्रंट जो है ये आपका एक तो स्फेरिकल होता है, एक आपका सिलेंड्रिकल होता है और एक प्लेनर होता है। कैसे होता है वो समझाते हैं बेटा। यहां पर लिख रहा है डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ सोर्स द ऑफ लाइट वेव फ्रंट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला टाइप क्या है बेटा? सबसे पहला टाइप आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। सबसे पहला टाइप क्या है बच्चे? स्फेरिकल वेव फ्रंट, समझ रहे हो आप, स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए बेटा, सोर्स आपका कैसे है? स्फेरिकल, थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये आपकी वाइब्रेशंस जो है सारे डायरेक्शन में जा रही है, समझ आया कि नहीं आया? जा रही है ऐसे करके, यस सर। आपने क्या किया, उन सभी पार्टिकल्स को उठाया, आपने उन सभी पार्टिकल्स को उठाया जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, लोकस या कलेक्शन बात एक ही है। यहां से आपने उनको एक बाउंड्री बनाई, कहां पर? सेम डिस्टेंस पर। ये देखिए, एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, और ऐसे कितने भी आप बना लो, मर्जी आपकी है। दीज आर व्हाट? दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट। सोर्स स्फेरिकल तो उनके वेव फ्रंट्स भी स्फेरिकल। यहां पर आपको ये एक एरो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इस एरो को अपन लोग रे बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और इस रे की एक खासियत है कि ये जो रे होती है ना बेटा, दिस रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट बेटा। ये रे क्या है? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है बच्चे। दिस रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, राइट बच्चा जी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा, पोलराइजेशन भी करवा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलिए, ये आपने देखा, स्फेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इट इज बिकॉज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज अ स्फेयर। ये रहा आपका सोर्स, ये रेज, ये आपका वेव फ्रंट, और रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है बच्चे आप लोग को? लेक्चर को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, दिखाई दे रहा है बेटा, सब दिखाई दे रहा है, आंखें काम करती है मेरी, मर्जी आप लोग की है बेटा, ठीक है। हेलो अभिषेक, अब तो यार मैंने टीवी भी लगवाया था, कुछ बच्चों को कंप्लेंट थी कि सर ऊपर देख के ऐसे मत बोलो, अब तो नहीं लग रहा, अब तो बिल्कुल सामने देख के बोल रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो यार लाइक करा करो लेक्चर को, टीचर को भी अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, नोट्स दे देंगे बेटा, कोई बात नहीं। चलिए सुनिए बेटा, आपने देखा कि आपका स्फेरिकल सोर्स है, ये हो गया बेटा, ठीक है। अरे ऐसा नहीं होता बच्चे, आज 25-30 बच्चे हैं, जब चैनल शुरू किए थे ना तो शुरुआत के 10 दिन में 8-8 10-10 बच्चे भी बिठाए हैं, और टारगेट रखा था उसी दिन के अगर 14 बच्चे हैं तो 140 करेंगे, और वे बच्चे आप ही तो करोगे भाई। अगर आपको कंटेंट उस तरीके से मिलेगा तो आप शेयर करेंगे, शेयर करेंगे तो बच्चा और आएगा,
हाँ या ना? और इस चैनल पे मेरा ही तो कंटेंट आ रहा है, किसी और का कंटेंट तो आ नहीं रहा है। मैराथन्स आप ही के लिए आएंगे, PYQs आप ही के लिए आएंगे, NCERT आप ही के लिए आएगी, पर ये सारा एफर्ट्स, और सबसे बड़ी बात, सुबह के सेशन में हैंड रिटन नोट्स देने का वादा भी कर दिया था, दो चैप्टर्स की मुंह दिखाई भी करा दी थी, है ना? तो ये एफर्ट्स तभी होता है जब आप लोग अपने टीचर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, हम लाइक भी करते हैं और करवाते भी है, जैसे एहसान जता रहे हैं, है ना? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है? तो आपने ये चीज देखा बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर आपका सोर्स लीनियर हो, जैसे आपका स्फेरिकल के केस में आप बल्ब का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है? स्फेरिकल के केस में आप बल्ब का एग्जांपल ले सकते हो, और सिलेंड्रिकल वाले में ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है? आपने क्या देखा, अगर आपका सोर्स क्या है, लीनियर है बेटा, तो उस केस में जो वेव फ्रंट बनता है वो सिलेंड्रिकल बनता है। कैसे बेटा? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां से सारे डायरेक्शंस में राइट है, और यहां से सारे डायरेक्शंस में, ठीक है? और आपने क्या किया, आपने ऐसे सर्कल बनाया इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस सर्कल बनाया, और जब जोड़ा तो हमें एक सिलेंडर सा दिखाई दिया। हमने कहा दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। समझ आया बेटा? दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके बाद सुनो बेटा, इसके बाद ये है आपका प्लेनर वेव फ्रंट। क्या है बच्चे? प्लेनर वेव फ्रंट। ये क्या है? देखिए बेटा, अगर आप इस गोले को और बड़ा करोगे ना, देखिए कैसे ये और बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, तो जब आप इसको एडवांस करेंगे इनफाइनाइट तक, देखो मेरी बात सुनो, आपको ये अभी ज्यादा कर्व दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा और कम, ये थोड़ा और कम, ये थोड़ा और कम, और ये थोड़ा और कम। एक समय आएगा कि जब यही स्फेयर का जब आप देखेंगे तो बड़ा होके ऐसा दिखेगा जैसे प्लेन लाइन है। समझ आया कि नहीं आया? जैसे प्लेन लाइन है, और उसी को आप क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन स्फेरिकल वेव फ्रंट एडवांसेस टू इंफिनिटी, आफ्टर दैट वेव फ्रंट इज नोन एज प्लेन वेव फ्रंट। समझ आया कि नहीं आया बेटा? तब वेव फ्रंट को क्या कहते हैं? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है बच्चे? चलिए, आप यहां से इसकी डेफिनेशंस देख सकते हैं, सब लिखाया हुआ है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप सच एज स्लिट, ठीक है बच्चे, सच एज स्लिट, अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड। इट इज बिकॉज ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लीनियर सोर्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। फिगर आपको पीछे दिखा चुका हूं, ठीक है बच्चे? सब समझ में आ गया सर? ओके, थैंक। प्लेन वेव फ्रंट स्मॉल पार्ट ऑफ अ, देखो डेफिनेशन इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको यह भी चीज दिखे। हेलो सपना बेटा, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल और अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स विल अपीयर प्लेन एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ प्लेन वेव फ्रंट। हेंस इट इज कॉल्ड अ प्लेन वेव फ्रंट। समझ आ रहा है बेटा आप लोग को? हां जी बच्चे, एक बार थोड़ा सा खुश हो जाता हूं बेटा, हम भी टीचर्स है, इंसान है हम भी, समझा करो यार, थोड़ा सा तो ऐसा बोल दिया करो कि सर हम इंजॉय कर रहे हैं। नहीं समझे? ठीक है भाई, तुम्हारे हाथ में है सब, तुम हमारी जनता हो, जनता अगर ऐसा करेगी सोचेगी तो ठीक है, नहीं तो हम तो क्या ही कह सकते, है ना बच्चे? अभी सब आपके सामने आएगा। नाइस, ठीक है, थोड़ा और एक साथ, यार इतने बच्चे बैठे, एक साथ आ जाना चाहिए था। अच्छा
राइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा धन्यवाद, ठीक है। कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं अनु सिंह, कह सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे, वो वेवफ्रंट भी आएगा, एग्जाम्पल पता चलेगा। चलिए बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। इस कॉन्सेप्ट के बाद मैंने आपको रे ऑफ लाइट के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, बोला कि वो एरो जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? वो एरो जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट जो आपको दिखाई दे रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? समटाइम्स इट इज नोन एज वेव नॉर्मल, क्योंकि वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। बहुत क्लियर सी बात है। आगे देखिए बेटा, अगर आप आगे देखेंगे तो हमारे पास एक और भाई साहब आए, हाइजन। देखिए बहुत सारे लोगों ने थ्योरी दिया, न्यूटन सर ने थ्योरी दिया, लेकिन उनकी थ्योरी पे हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही बता पाए वो। हाइजन भाई साहब आए, इन्होंने वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में बताया। आगे जाके यंग्स आए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वेव को ट्रांसवर्स नेचर में बताया। कुछ लोगों ने, प्लैंक ने आगे कुछ और बताया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग आते गए, पर अभी हमें क्या पढ़ना है? हाइजेंस का प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बोला बेटा? इन्होंने बोला कि अगर आप देखोगे जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। इन्होंने कहा कि सर अगर हमारे पास जो आपका वेव फ्रंट आ रहा है, तो इस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट, ये देखिए एक दो तीन जितने भी है, एवरी पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स फॉर न्यू वेव फ्रंट। समझ आया कि नहीं आया? मतलब एवरी पॉइंट इज एक्टिंग एज अ फ्रेश सोर्स फॉर न्यू वेव फ्रंट। यानी कि ये एक वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जितने भी आप पॉइंट देख रहे हो, सारे के सारे पॉइंट एक नया नया सोर्स बनते हैं। इनसे आपकी डिस्टर्बेंसेस निकलेंगी, आगे जाके एक और वेव फ्रंट बनता है, ठीक है बेटा। देखिए कैसे बनता है। अब ये क्या है सोर्स? सपोज करिए कैसा है? स्फेरिकल सोर्स है। वेव फ्रंट कैसी बनाई? स्फेरिकल। इधर से अगर ये फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कैसा? स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड बाई टी। आपने पढ़ा सोर्स के अक्रॉस वेव फ्रंट क्या होता है, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था ना उसने, तभी तो हमने ये स्फेयर बनाया था ना। तो सिमिलरली यहां पर भी हो रहा है बेटा, सिमिलरली यहां पर भी हो रहा है। सारे जो पार्टिकल्स है, ये कुछ टी टाइम में इन्होंने कुछ अपना स्फेयर कवर, मतलब कुछ अपना डिस्टेंस का, कितने डिस्टेंस का? सीटी रेडियस का कवर किया होगा, ठीक है। ये इन्होंने कवर किया बेटा, समझ में आया? क्योंकि हमारे हाइजन ने बताया कि ईच एंड एवरी पार्टिकल एट वेव फ्रंट इज एक्टिंग एज अ फ्रेश सोर्स फॉर न्यू वेव फ्रंट। समझ आया कि नहीं आया बेटा? आ रहा है समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कहा सर नया वेव फ्रंट कहा है, नया वेव फ्रंट कहा है, ठीक है बच्चे। तो यार आप यहां से देखेंगे, नया जो वेव फ्रंट है वो इन सब को टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, ठीक है, इन सब के टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट विल बी आर वेव फ्रंट, दैट विल बी आर वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट? सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ आया? That will be our कैसा वेव फ्रंट बेटा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ आया कि नहीं आया बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख बेटा दोबारा से सुनना है, मैं प्लेन के फॉर्म में बताता हूं। मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल है। सारे के सारे जो पार्टिकल्स है, सारे के सारे जो पॉइंट है इस वेव फ्रंट पर, ये दीज आर एक्टिंग एज अ फ्रेश सोर्स फॉर न्यू वेव फ्रंट। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखेंगे तो यहां से कुछ टी टाइम बाद ये सभी ने डिस्टर्बेंसेस भेजी, ठीक है बेटा। कितने रेडियस की? डिस्टेंस क्या होगा? तो आप कहेंगे ये सी इंटू टी डिस्टेंस के साथ, इसने अपना बनाया, इसने अपना। टी टाइम बाद स्पीड सेम है,
टाइम सेम है, रेडियस भी सेम होगा बेटा, ठीक है बच्चे। तो हमारे हाइजन ने बोला कि सर जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा उसको आप टेंजेंशियल ड्रॉ करो। मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। सो दिस इज द हाइजेंस वेव प्रिंसिपल, समझ में आया, हाइजेंस थियरी ऑफ लाइट, हाइजेंस वेव थियरी ऑफ लाइट, ये कहानी थी हाइजेंस की। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा। अब इसी कहानी के बिहाफ पे जो हर साल आपके बुक में आता है वो आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करिए हाइजेंस के थियरी के बिहाफ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट बच्चा जी, आया सभी को समझ में। सर सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है बेटा, सेम चीज है, ये जो सोर्स है ना, ये जो सोर्स है ये क्या है, दीज आर बिहेविंग अ फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, इन्हीं से रेज निकल रही है और एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, तो उसी को अपन लोग वेवलेट्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये होगा बेटा स्फेरिकल, ये होगा स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होगा और ये होगा प्लेन वेव फ्रंट, ये क्या होगा, सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ तो डी बराबर वी टी होगा, लेकिन वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है ना, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करेगा ना, ठीक है बच्चे। हाँ तो ऐसे तो अगर एडवांस होते रहेंगे तो बिल्कुल बनता रहेगा, लेकिन आप ये भी तो चीज देखो कि एनर्जी का भी तो कॉन्सेप्ट है, इंटेंसिटी का भी तो कॉन्सेप्ट है, एनर्जी भी तो लॉस होती रहेगी। अरे हाय ना बोल बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चे। सर पहले आप बहुत तेज तेज पढ़ाते थे, अब ठीक है आप, ठीक है क्योंकि अब धीरे पढ़ाते हैं तो अब ठीक है सर, पहले तेज पढ़ाते थे तो समझ में नहीं आता था सर, ठीक है यार धीरे धीरे इंसान सुधरता है, ठीक है बच्चे, आ रहा है समझ में, ठीक है। सो गाइस नाउ आई एम मूविंग अहेड, नाउ आई एम मूविंग अहेड, यहां पर इसकी पूरी थ्योरी आपको न्यूमेरिकल के साथ, मतलब सॉरी वो डेफिनेशंस के साथ दी है। अब मैं थोड़ा बहुत चैनल को चलाना, मतलब वो ये टेक्निकल चीजों को चलाना सीख गया हूं, अपने एडिटर को बोल दूंगा वो जो इसकी पूरी पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे, ठीक है। सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, नए चैनल पे झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चे, ठीक है। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला गलत लिख दिया, कहां पे गलत लिख दिया, देख ले, रुक जाइए। अच्छा ये तो ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टी, अब तो ठीक है, हो जाता है कभी कभार, यहां तो सही लिखा है ना, यहां तो सही लिखा है ना, क्या हो गया फिर, ठीक है। चलिए अब आप देखिए बेटा, कब तक, कल से, कल वाले लेक्चर से पहले पहले, कल वाले लेक्चर से पहले पहले पक्का। अभी थोड़ा हम भी तो ग्रो करना चाहते हैं ना, हम भी ग्रो होंगे यार, हमारा चैनल भी ग्रो होगा, फटाफट 1000 सब्सक्राइबर्स करिए ताकि कम्युनिटी वाला पोस्ट भी कर सके हम लोग, हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए सो गाइज आपने यहां से देखा हाइजेंस के प्रिंसिपल की कहानी, जरा इन्हीं की मुंह जुबानी सुनते हैं, इन्हीं की मुंह जुबानी सुनते हैं क्या। हाइजेंस प्रिंसिपल इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू डिटरमाइन द न्यू पोजिशन ऑफ अ वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम फ्रॉम इट्स गिवन पोजिशन एट एनी इंस्टेंट। समझ आया, इस एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट आफ्टर सम टाइम टी, राइट बच्चा जी, ठीक है बेटा। चलिए इन ऑडर वर्ड्स द प्रिंसिपल गिवस अ मेथड टू नो एज हाउ लाइट स्प्रेड्स आउट इन द मीडियम। समझ आया, लाइट कैसे स्प्रेड होती मीडियम में, इस प्रिंसिपल ने अपने को वही बताया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाइजेंस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस, ठीक है बच्चे, क्या क्या अजम्पशंस थी, ठीक है, क्या क्या अजम्पशंस थी। ईच पॉइंट ऑन द गिवन
और प्राइमरी वेव फ्रंट, बताया बेटा मैंने, जो गिवन है या प्राइमरी वेव फ्रंट है उसके ऊपर हर एक पॉइंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, सेंडिंग आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शंस इन अ सिमिलर मैनर एज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट डज। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चे, अरे हाया ना बोल बेटा, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? वेरी नाइस। चलिए तो आपने एक चीज तो देख लिया बेटा, हाइजेंस के प्रिंसिपल की कहानी में जब आप ये कहानी देख रहे थे तो आपने ये चीज तो देख लिया, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहां से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो यहां से वो आपको वही वेव फ्रंट जो मैं आपको दे रहा था वो आप यहां से देख सकते हैं। आज तो 50 लाइक्स हो गए, कहां हो गए भाई, 49 है। जले पे नमक मत छिड़का करो तुम लोग, ठीक है। चलिए सो आगे देखते हैं बेटा, नया पोजीशन कहां से आया, ये इन सबको टेंजेंट ड्रॉ किया हमने तो नया पोजीशन अपना वहां से आया बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हां जी बच्चे। बेटा अभिषेक, बेटा वेव फ्रंट क्या होता है मैंने बता दिया था, आप देख लीजिए। आयुषी, मैंने बता दिया था वेवलेट क्या होता है, ठीक है, ओके। जरा आप मेरी बात सुनिए बेटा, ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट सेकेंडरी, और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट प्लेन में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सो ये कहानी हो गई, ये कुछ क्वेश्चन थे, ये बाद में हम देख लेंगे, पहले हमें कॉन्सेप्ट करना है। कॉन्सेप्ट की जब बात कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि हमें हाइजेंस प्रिंसिपल के बिहाफ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है बेटा। समझ आया कि नहीं आया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चे। अब आप देखिए बेटा कैसे, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बेटा, मैं आपको समझाता हूं। आप देखो बच्चे, यहां पर आपने एक सरफेस लिया, ठीक है, यहां पर आपने एक सरफेस लिया। अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट है, यहां पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट है, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक बेटा, आ रहा है समझ में। हाइजन ने क्या बोला आपको? हाइजन ने कहा ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट इज अ फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट, इज अ फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। तो आप देखिए, इस ए पॉइंट से अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो यहां पर ऐसे आएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सी इंटू टी, हाया ना, एयर में टी टाइम में सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, करेगी बेटा, डन है सर, समझ में तो आ गया। आप आगे देखेंगे अगर, तो यही से आप चलो, अगर ए पॉइंट से कर रहा है तो क्या बी पॉइंट नहीं है बेटा? ये सी मान लो, क्या बी पॉइंट नहीं है? बी पॉइंट कहेगा यार हमसे भी ले जाओ, उतना ही मैंने आर्क खींचा उतने ही डिस्टेंस का जितना डिस्टेंस ए सी है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोला मैंने? इस पॉइंट को डी बोला मैंने। क्या बोला बेटा मैंने? इस पॉइंट को डी बोला। समझ में आया कि नहीं आया? आप मेरी बात सुनिएगा बेटा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहां से आप, अरे भाई साहब क्या हो गया आपको, आप क्यों मिट गए भाई, आपसे क्या लेना देना था। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना देते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे करके, ताकि हमारा जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सके तो वो अच्छे से ड्रॉ कर सके। आप यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए बेटा, ठीक है। तो ये जो सीडी है ना, ये है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या है बेटा? आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बेटा। समझ में आ रहा है? क्या हुआ? इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कहानी हुई कैसे बेटा? कहानी हुई कैसे, आप सुनिए। यहां से अगर आप देख पाएंगे बेटा,
तो एक सोर्स होगा और उस सोर्स से लाइट आएगी, सरफेस पे इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। समझ आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्ट करेगी। आया समझ में? अच्छा, तो आप यहां से देखिए, रिफ्लेक्ट करी मतलब बाउंस बैक हो गई, राइट बच्चा जी। यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये क्या है? एंगल आई। हाया ना बेटा, ये क्या है? एंगल आई। अब आप मेरी बात को और सुनिए बेटा, यहां पे जैसे ही ये रे ऑफ लाइट टकराएगी, नॉर्मल बनाएगा और ये भी यहां से ऐसे निकल जाएगा, ये क्या होगा बेटा? एंगल आर। ये क्या होगा? एंगल आर। आपको क्या चाहिए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है? यानी कि आपको एंगल आई एंगल आर के बराबर चाहिए। मैंने आपको एक चीज कही थी बेटा कि ये जो रे है, रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। कही थी बेटा, याद है आप सभी बच्चों को, दैट रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। हाँ या ना भाई, मान रहे हो मेरी बात को, नहीं मान रहे हो? ठीक है, मैं करा रहा हूं बेटा एक्सप्रेशन फॉर या प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव थियरी। ठीक है, ठीक है बच्चे? यस सर, समझ नहीं आ रहा। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई, तुम अपने सर से मजे ले लो पूरे के पूरे, ठीक है? एक तो तबीयत खराब होने के बाद भी वो आपको ऐसे खड़े होके इतने जोश के साथ पढ़ा रहे हैं, ऊपर से बस आप तो कुछ भी बोलते रहो। और देखिए देखिए भाई साहब, डिसलाइक भी आ गया। नाइस है, नाइस है बेटा, नाइस है, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, ठीक है, चलता रहेगा ऐसे कहानी, है ना बेवकूफो। चलिए, तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या होगा? अगर आप यहां से देखोगे तो क्या होगा? इधर से ये आई है, अगर भाई देखो, रे क्या है? परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के। ये अपना वेव फ्रंट, ये अपना रे। अगर ये आई है तो ये क्या होगा? 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा? अरे हाया ना बोल बेटा, ये अगर आई है तो ये 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा? अरे भले ही ये ऐसा नहीं दिख रहा आपको, कोई बात नहीं, आप दिखा दो ना इसको, ऐसे दिखा दो, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, 90 दिखा दो इसको, नहीं दिख रहा तो वो दिखा देना, ठीक है? अभी नहीं दिख रहा आप दिखा देना, ठीक है? समझ आया? जब आपको ये चीज समझ में आ गया तो आपने ये आई देखा, ये 90 माइनस आई। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, अगर ये 90 माइनस आई है तो क्या आपका ये वाला जो एंगल है ये आई होगा कि नहीं होगा? अरे हाया ना बोलना बेटा, ये आई होगा कि नहीं होगा? मुझे बस सिर्फ इतना बता दो। वाह 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 भाई साहब, मतलब तुम लोगों ने तो डिसलाइक की बौछार कर दी। कोई नहीं बेटा, जरा मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेके आता हूं, ठीक है? बाद में मत कहना सर आपने एक हफ्ते लेक्चर नहीं लिया, ठीक है? बाद में मत कहना। यस सर, ठीक है, आया समझ में ये चीज? अब आगे देखो बेटा, अगर ये आर है, ये 90 बना रहा है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस आर, तो ये क्या होगा? ये भी तो आपका आर ही होगा भाई। इंसिडेंट वेव फ्रंट आई बना रहा है, रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर बना रहा है। पता कैसे चलेगा? अभी सुनिए बेटा, लॉस को प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ भी करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? पहला प्रूफ करेंगे बेटा आपका, दो मार्कर थे कलर चेंज करने के लिए, दूसरा मार्कर उठा लिया कि कलर चेंज हो जाएगा, बाद में पता चला अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहां से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो आप देखो, ये आप अगर देखोगे, पहला इन ट्राइंगल कौन कौन सा? एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल कौन सा? बीसीडी या डीबीसी या डीबीसी। आप यहां से देखिए बेटा, आप यहां से देखिए, ये वाला एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? होगा ना बेटा, ये वाला एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, राइट बच्चा जी? और ये रे है, ये वेव फ्रंट है, तो ये भी 90 होगा। यानी कि आप कहेंगे सर एंगल बीएसी बराबर एंगल बीडीसी, बीडीसी क्यों? बिकॉज द रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट।
ये सब आपको बताना पड़ता है बेटा, तभी मिलते आपको एग्जाम में मार्क्स, नहीं तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। डन है बच्चे। दूसरा आप देखो, ये जो एसी है बेटा ये बीडी के बराबर है, एसी बराबर बीडी बराबर सीटी, एसी बराबर बीडी, आप कह सकते हैं सेम रेडियाई बराबर सीटी। राइट बच्चा जी, आया समझ में? ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा। एक और बात, बीसी बराबर बीसी कॉमन, बीसी बराबर बीसी कॉमन, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड और एक और साइड, तो क्या ये आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं हुए बेटा? तो आप कहेंगे कि सर बाय आरएचएस रूल आपका ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, कौन सा बेटा? ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? डीबीसी ले लूं? जरा एक बार मैच करके देखोगे, आपका एसी बराबर बीडी, नहीं 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 नहीं, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? एसी बीडी के बराबर है, एसी बीडी के बराबर है, तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीडीसी, ऐसा नहीं, डीबीसी एसी बीडी के बराबर है, तो बीसीडी, ऐसा ले लू बीसीडी, तो यहां से आपको पता चलेगा, नहीं तब भी नहीं चलेगा, डीसीबी, मेरे हिसाब से डीसीबी ले सकते हैं या डीबीसी। अब ठीक है, एसी किसके बराबर है? नहीं, ये हो जाएगा डीबीसी, ठीक है ये हो जाएगा डीबीसी। अब आपको पता चल जाएगा एसी किसके बराबर है, यार ये तो तब भी नहीं हुआ, ये एसी की जगह ना डी बी डीसीबी, अब अगर देखे तो अब हो जाएगा, अब अगर देखे तो अब हो जाएगा। किसी बच्चे ने भेजा है क्या? सर डीबीसी कुछ नहीं। अच्छा अब हम बहुत एबीसीडी सीख ले। देखो एसी किस, देखो बीसी बीसी के बराबर है, हां जी एक तो आ गया, दूसरा एसी बराबर बीडी, एसी बराबर बीडी, डन है डन है डन है। एंगल बीएसी, बीएसी बराबर बीडीसी, बीडीसी एंगल बीएसी, हां यार अगर ऐसा करे तो तब भी गलत है यार, ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है? ठीक है, एंगल एबीसी जो है वो एंगल डीसीबी के बराबर होगा, तो ऐसा ना कर लू, ट्रायंगल एबीसी और एंगल क्या है डीसीबी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीसीबी। अब ठीक है, आपका एसी किसके बराबर आया? डीबी के। बीसी किसके बराबर आया? बीसी के। एंगल बीएसी बराबर एंगल बीडीसी, बीडीसी, यार सीन क्या हो रहा है ये, इसको इधर करूं तो तब गलत हो रहा है, क्या सीन हो रहा है ये, कोई कंग्रुएंट करके बता दो यार। बीडीसी होगा सर, डीबीसी होगा, भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, देख लेते हैं यही पे देख लेते हैं, वो कोना ही अच्छा नहीं था, वो कोना हमारे लिए अच्छा साबित हुआ नहीं, वो कोना अच्छा साबित हुआ नहीं। ठीक है सर, ऐसे लिखना जरूरी, अच्छा ऐसे लिखना जरूरी नहीं होता, बहुत सही बेटा, तुम सही मैथ्स पढ़ के आए हो टेंथ क्लास में। एबीसी, यार एबीसी क्यों बोल रहा हूं, बीएससी बोल देता हूं, बीएससी कोर्स का नाम है, शायद अब सही हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीडीसी, अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कौन गलत करता है। ठीक है, बीएससी बीडीसी डन है भाई, एसी बीडी, एसी बी, ओ हो, क्या सीन पड़ रहा है, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, सी डी बी, अब देखते हैं, बीएससी बीडीसी, ठीक है डन है, एसी बीडी, ठीक है बीसी बीसी, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया हो गया, अचीवमेंट भाई, अचीवमेंट अचीवमेंट, ठीक है अचीवमेंट, ठीक है सर, स्टार्टिंग में ही लिखा है आपने प्रूफ करने से पहले, अच्छा हाँ यार ये देखो ये रहा, ठीक है कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार, हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहां से देखा, यहां से आपको पता चला एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी, डी सी बी, अब हो गया, अब हो गया, तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी, ठीक है ये क्या है,
अगर आप यहां से देखोगे दिस मींस एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर। हिलेरियस क्लास, ये कौन कह रहा है हिलेरियस क्लास, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। सर हमें तो नहीं पढ़ाया ऐसा मैथ्स में कभी, बेटा ऐसा है देख कहानी ऐसी है ना कि आपको बेसिक चीज बताई नहीं तो आप कुछ भी लिख दोगे बोर्ड में मार्क्स कटवा के आ जाओगे, फिर तुम बाद में मुझे गाली दोगे सर आपने तो वो बेसिक स्टेप मिस करवा दिया था, टीचर ने पकड़ लिया मार्क्स काट लिए। सब होना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। तो ये आपने देख लिया एंगल आई एंगल आर के बराबर आ गया, डन है बेटा। दूसरा आप देखो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ठीक है, और नॉर्मल और आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है भाई, या यू कहो इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। देख बेटा इंसिडेंट रे किसके परपेंडिकुलर है आपका, इंसिडेंट वेव फ्रंट के। नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, ये सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। और ये रिफ्लेक्टेड वेव रिफ्लेक्टेड रे किसके परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब के आपस में परपेंडिकुलर है और सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, रिफ्लेक्शन में समझाया था, यहां पर लिखा हुआ है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है। देखो ये सारी चीजें इन्होंने डेरिवेशन कराई है आपको और ये कंसिडर किया है सारे ट्राइंगल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिए, दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। सर मैथ्स भी पढ़ाते हैं भाई, बिल्कुल पढ़ाते हैं यार, कभी कभार पढ़ा लेते हैं जब मन करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल, डन है बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ेंगे। उसने कहा जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही मीडियम में लाइट हो, रिफ्रैक्शन भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर रिफ्रैक्शन होगा तब क्या करेंगे। सो नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल वाला कहानी, ठीक है, ठीक है बच्चे। आप देखो बेटा क्या करेंगे, सेम कहानी है, बस आपने यहां से फिर वही इंसिडेंट वेव फ्रंट उठाना है। उठा लिया बेटा, यहां से फिर वही होगा, सोर्स से एक रे इसके परपेंडिकुलर आएगी, आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये आपका आई है। असल में यहां पर सेम मीडियम में ना जाते हुए रे क्या होगी, सपोज रेयर टू डेंसर जा रही है, ऐसे जाना था इसको, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी। समझ में आया, ये कुछ ऐसे चली जाएगी। बट ये हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमें कैसे पता है, ठीक है, ये हमें ऐसे पता है कि आप देखिए ए वाले से जो है ना वही फ्रेश सोर्स बिहेव करेगा, यहां पर डिस्टर्बेंस सी पे टच करेगी, ठीक है बेटा। यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सी टी। सेम बी वाले से भी ऐसा करके बेटा, ये रहा, ये कितना कवर करेगा, वी टी। और क्योंकि डेंसर मीडियम है तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। अब आप इसको यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, ऐसा ड्रॉ कर दो, ये डी हो जाएगा, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बेटा। समझ में आया। और अब यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाना है आपको। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे, दोबारा देखो क्या हुआ। अगर आप देख पा रहे हो, यहां से आपका रेज आई, ठीक है, सी पॉइंट पे टकराए, ठीक है बेटा। सिमिलरली बी पॉइंट से अगर देखोगे तो वो क्या होगा, ऐसा करके इधर से भी आएगा, डिस्टेंस कितना होगा, वी टी। आपने कहा सर ये सी टी बड़ा, वी टी छोटा क्यों, क्योंकि इस मीडियम में स्पीड आपका कम हो जाएगा, डेंसर है तो इसीलिए डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। समझ आया, टाइम भले सेम है पर स्पीड तो कम हो गया ना। आगे देखो बेटा, यहां से हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वही अपना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हुआ। अब क्या होगा, नॉर्मल आपने फिर ड्रॉ किया,
कहानी आपकी फिर वही हो गई, ये आई ये आर, राइट बच्चा जी, ऐसा ही हुआ। अब यहां पर आपको बेटा, अगर यहां पर आप रेयर टू डेंसर जा रहे हो तो आपका नॉर्मल की तरफ ही तो आया है ना, नॉर्मल है ना ये, तो नॉर्मल की तरफ ही आया ना, वो रे ऐसे जानी चाहिए थी, नॉर्मल की तरफ ही तो आ रहा है, कहीं और थोड़ी जा रहा है, ठीक है। राइट बच्चा जी, अरे बेटा मैं आपको क्या बता रहा हूं, वो तो यहां से आप यार, ये तो यहां से रेज है ना, वो तो इसकी रे आएगी, तो ये रे आपकी ऐसे हो जाएगी, ऐसी जानी चाहिए थी ऐसे हो जाएगी। वो तो आप रे की बात कर रहे हो, आप वेव फ्रंट की बात क्यों कर रहे हो, आप रे की बात करो ना कि रे विल ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्मल। समझ आया कि नहीं आया, मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, इज इट नॉट क्लियर। ये भले ही ऐसा हो गया कोई बात नहीं, वो जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो वो आप थोड़ा छोटा बना लेना, ये चीज है, देख रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझे, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये वाली रे आपकी ऐसे चली गई, जब ये वाली रे आपकी ऐसे जा रही है टूवर्ड्स नॉर्मल, तो जब ये टकराएगी नॉर्मल के बाद, ये रे ऐसे जा रही थी, इसकी रे ऐसे आएगी जो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके, डन है बेटा, आया समझ में अभिषेक जी, डन। तो आप यहां से देखिए बेटा, अब यहां से स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, क्या स्नेल्स लॉ, आपको स्नेल्स लॉ के बारे में कुछ चीज तो पता है, क्या कि सर साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, या यू कहो म्यू होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट फॉर दैट मीडियम विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई बात नहीं बेटा। देखिए बच्चे, स्नेल्स लॉ की कहानी पढ़ रहे हैं, उसने हमें क्या बोला, उसने कहा आप ट्रायंगल एबीसी लीजिए और बीसीडी लीजिए, कोई बात नहीं, इस बार मैं पहले सी सावधानी बरतूंगा और एक ही बारी में बता दूंगा, ठीक है, कैसे, इन ट्रायंगल एबीसी आपका साइन, देखिए ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाला भी परपेंडिकुलर है, तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो साइन आई क्या होगा, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर, क्या है ये एसी, अपॉन हाइपोटेनस, क्या है ये बीसी, आ रहा है समझ में, साइन आई बराबर एसी अपॉन बीसी, डन है बेटा, समझ में आया। अब दूसरी बात देखिए, ये पहला पार्ट है, नाउ इन ट्राइंगल बीडीसी, कौन से ट्राइंगल में, ठीक है सर एबीसी का चेंज कर लो, मतलब ठीक है यार एबीसी भी ठीक है, अच्छा ये सीटी है, ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसको PQR ले लो यार, चलो इसको आप PQR ले लो, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, तो अब आप कर सकते हो इन ट्राइंगल एबीसी के बजाय ट्राइंगल PQR ले लो, और साइन आई जो हो जाएगा वो PR अपॉन QR हो जाएगा, AC बाय BC की बजाय PR अपॉन QR हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा कौन सा लेंगे बेटा, यहां से कौन सा, QDR, इन ट्राइंगल QDR, साइन R किसके बराबर होगा, सो साइन R बराबर परपेंडिकुलर QD अपॉन हाइपोटेनस QR, ये दूसरा हो गया। मैंने कहा जरा इन दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, ठीक है, जरा इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपने क्या किया, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, सो व्हाट आर यू डूइंग, साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पी आर बाई क्यू आर अपॉन क्यू डी बाई क्यू आर, पी आर बाई क्यू आर अपॉन क्यू डी बाई क्यू आर, ठीक है, ऐसा है बेटा, पी आर बाई क्यू आर अपॉन क्यू डी बाई क्यू आर, ठीक है,
तो आप क्या कहेंगे बेटा, ये जो आपका QR से QR कट गया, PR क्या है बेटा, CT, तो आपने कहा सर दिस इज CT अपॉन, ये QD क्या है, VT बाई T से T कट गया, तो आप क्या कहेंगे, साइन I बाई साइन R बराबर C बाई V है ना, साइन R साइन I बाई साइन R बराबर C बाई V। देखिए यहां लिखते हैं साइन I बाई साइन R बराबर C बाई V, मतलब क्या है ये, ऐसा नहीं है क्या स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और आप सभी को पता है V1 अपॉन V2 म्यू टू बाई म्यू वन होता है, आप इसको म्यू टू बाई म्यू वन लिख सकते हैं, सभी को पता है म्यू वन यहां पर एयर है इसलिए म्यू एयर वन होगा, तो म्यू टू क्या हो जाएगा आपका समथिंग म्यू, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं वन, और म्यू के बराबर आपका आया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, दिस इज वॉट, दिस इज आर, स्नेल्स लॉ, समझ आया बेटा कि नहीं आया, दिस इज वॉट समथिंग कॉन्स्टेंट फॉर दैट मीडियम एंड दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ, राइट बच्चा जी। तो आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक, आपने वेव फ्रंट पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपने वेव फ्रंट पढ़ा पहली बात, दूसरी बात में आपने मेरे साथ क्या पढ़ा, दूसरी बात में आपने मेरे साथ हाइजेंस का प्रिंसिपल पढ़ा, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल के बाद उस प्रिंसिपल के बिहाफ पे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, प्रूफ कैसे करते हैं, और फिर आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं, समझ आया बेटा कि नहीं आया, हां जी बच्चे इज इट क्लियर, ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आया, ठीक है बच्चे। अब आप मेरी बात सुनो बेटा, ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं अब आप लोगों से देखो, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हम दो घंटे का लेक्चर एक्सटेंड जरूर करेंगे पर अगर मेरी हेल्थ अलाउ करेगी तो, एक्चुअली मेरे थोड़ा सा ना सर घूमने लग गया है, ठीक है, तो अब क्या है ना कि जो इंटरफेरेंस का पैटर्न होगा वो अपन लोग शुरू करेंगे परसों, परसों क्यों करेंगे, क्योंकि कल तो अपना 5 घंटे का मैराथन सेशन है, फिर बोल रहा हूं बेटा जितने बच्चे हैं जो चले गए वो शायद रिकॉर्डेड देख लेंगे, बट जो आप लोग हो इसीलिए बोल रहा हूं ज्यादा शेयर कर लेना, और ये लेक्चर आपको बहुत फायदा देगा, ये मेरी वर्डिंग्स है, और आप आएंगे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो मजा आपको आने लगेगा, ठीक है, ठीक है, राहुल बेटा तू मेरे को मोटिवेट करेगा, कल उठ नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, मोटिवेट तो कर देगा, पढ़ा तो दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि हेल्थ से ऊपर पढ़ाऊंगा फिर कैसे बात बनेगी, है ना बच्चे, कह रहे सर वी आर मोटिवेटिंग यू लेट्स डू इट टुडे, करने पे तो मैं 2 घंटे और पढ़ा दूं, लेकिन मुझे पता है ना कि हेल्थ इतनी खराब हो जाएगी कि कल पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, फिर क्या करेगा, ठीक है, और कल सुबह 10 बजे मैराथन क्लास वाले में आ जाना भाई, 3, 4, 5 चैप्टर के MCQs के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, ठीक है बच्चे, पोल भी होता है, सो गाइज अभी जो है आज के लेक्चर को यही ओवर करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आप आते रहिएगा डेली बेसिस पे यार, 8:45 से 9:45 एक बंदा यहां खड़ा हो जाता है, आप भी वहां बैठिए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपको कंटेंट मिलेगा, सो गाइज बाय ऑल, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, सबका नाम रोशन करिएगा, और बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ते हैं एक साथ, है ना बच्चे, हमसे जितना बन सकेगा हम करेंगे, आपसे जितना बन सकेगा आप करेंगे, दोनों लोग एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे और आगे जाके फोड़ेंगे जरूर, All the best guys, good night all, bye बच्चा।